हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिटचैट विद नीलम। आज का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ कुछ अपनी छत पर खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों का, और आपके साथ मैं शेयर करूंगी अपने सुंदर सुंदर फूल जो मेरे टेरेस पर आज खिले हुए हैं। और मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि हमारे इस सीजन में हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट हिबिस्कस खिले हुए हैं, कितनी खूबसूरत हिबिस्कस खिले हुए हैं इसके अंदर। अभी खिल ही रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना एकदम, तो अभी पूरी तरीके से ये खिले नहीं है, तो ये खिलने ही लग रहे हैं। और आप इधर व्हाइट रोज देख सकते हैं, कितने सारे व्हाइट कलर के रोजेस खिले हुए हैं इसमें। बहुत छोटा सा प्लांट है ये मेरा अभी, और इसमें बहुत ही सुंदर से फूल आए हुए हैं क्योंकि गुलाबों का तो सीजन अब शुरू हो ही गया है। तो अब अच्छे अच्छे गुलाब अभी आने वाले सीजन में बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल आने शुरू हो जाएंगे हमारे प्लांट्स पर। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपराजिता देख सकते हैं। अपराजिता में भी ना मेरे पास दो कलर की अपराजिता है, एक व्हाइट कलर की और एक ब्लू कलर की। तो अपराजिता में भी देख सकते हैं आप कितने सुंदर फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो रखी है अपराजिता में। और इधर ये मेरी ब्लू कलर की अपराजिता है, ये देखिए गिलहरी ना फूलों को छोड़ती नहीं है। ये देखो ये गिलहरी जो है ना फूल को काट के गई हुई है, सारा जो है फूल इस पे चढ़ जाती है गिलहरी, और सारे जो फूल होते हैं ना वो काट पीट के फेंक देती है पोर्चुला का। और इसमें तो देखिए बिल्कुल ही फ्लावर सब खत्म ही हो गए हैं, जाने वाला सीजन हो गया बिल्कुल ही इनका, इनको अब साइड में रखने का टाइम आ गया है। हमारे जो केली खिली हुई है कितनी सुंदर, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी केली खिली हुई है येलो कलर की, बहुत ही सुंदर शेड लगता है इसका ये वाला। रेड कलर की भी खिली हुई है इधर। तो इस सीजन में ना ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये फ्लावर देने, मतलब इसमें कुछ ना कुछ फ्लावर्स अभी आते रहेंगे, और जैसे ही जब ज्यादा ठंड का सीजन आएगा तो ये फ्लावर्स आने कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये वाला जो सीजन होता है ना, जैसे कि अभी तक हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर में जैसे बनाना पील फर्टिलाइजर वगैरह दे रहे थे, सरसों कली वाला जो फर्टिलाइजर होता है ना वो अभी हम यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि गर्मी पड़ रही थी। तो गर्मियों के सीजन में हम सरसों कली वाला फर्टिलाइजर यूज नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म तासीर का होता है, गर्म होता है थोड़ा सा, तो प्लांट्स को नुकसान ना करे इसलिए हम लोग वो वाला फर्टिलाइजर उस समय यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब मौसम जैसे जैसे ठंडा शुरू हो गया है ना, ठंडा होने लग गया है वेदर, तो हम लोग सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर आराम से अपने प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर जो होते हैं ना वो प्लांट्स को बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं, और इंस्टेंट इफेक्ट आप उसका देख सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर जब हम अपने प्लांट में देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम सरसों खली का फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्लावर्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है वो, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। कनेरे भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग हो रखी है। और इसके अलावा हमारे अब वाटरिंग का भी अब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्योंकि ना जैसे ऐसे मौसम में अब धूप उतनी तेज नहीं होती है तो हमें जो है वाटरिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब आप देख सकते हैं मेरे पारिजात का जो प्लांट है जिसको कि हर श्रृंगार कहते हैं, इसके फ्लावर्स देख सकते हैं कितने सुंदर इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखिए ये अपने आप ही गिर जाते हैं, कितने खूबसूरत है, इसमें खुशबू बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं ये। तो इसमें जो है ना आप इस समय वही मैं वाटरिंग का बता रही हूँ कि वाटरिंग जो है ना इसमें बहुत ध्यान से दे रही है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे ये प्लांट्स हैं, ये मेरे इंडोर प्लांट्स जो हैं जो नीचे रखे हुए थे मैंने, अब इसमें मौसम अच्छा है प्लांट्स के लिए, सूदिंग मौसम है तो मैंने इनको सबको ऊपर ही रखा हुआ है अब इस समय तो। लेकिन ये थोड़ा सा ना शेडी एरिया में रखे हुए हैं, इधर धूप कम आती है, और धूप कम आने के कारण इनका जो पानी है वैसे भी ये प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं, इनके जो गमले हैं प्लास्टिक के हैं, वैसे भी पानी इनका अच्छे से इवेपोरेट होता नहीं है। तो हमको क्या करना है कि वाटरिंग का बहुत ध्यान से करनी है, तो दिन में एक बार तो अभी हम सभी गमलों को सभी प्लांट्स को पानी दिन में एक बार दे रहे हैं, लेकिन अब आगे आगे ऐसा सीजन आ रहा है जब धूप नहीं निकल रही ना, तो कई गमले हमारे ऐसे हैं, कई प्लांट्स ऐसे हैं जो शेडी एरिया में रखे हैं, उनको दो दिन में एक बार भी, मतलब दिन में एक बार भी नहीं, दो दिन में एक बार पानी देने की जरूरत पड़ रही है, या फिर दो दिन में एक बार भी नहीं तो हम पानी ना पहले चेक करेंगे कि पानी अच्छी तरीके से सूखा हुआ नजर आए। एक डेढ़ इंच तक हम मिट्टी को चेक करेंगे ऊपर से, अगर वो मिट्टी हमें सूखी सूखी नजर आती है तभी हमें अब वाटरिंग करना है, नहीं तो हमें वाटरिंग नहीं करना है। तो अगर हम पानी का ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो रूट्स होती है ना हमारी वो नीचे नीचे गलनी शुरू हो जाएंगी, पानी ऊपर तो आपको दिखेगा और नीचे नीचे ना प्लास्टिक के गमलों में तो नीचे नीचे स्पेशली पानी जो होता है ना वो मिट्टी गीली गीली बनी रहती है, तो पानी सूखता है नहीं, इवेपोरेट होता नहीं है, और प्लांट्स हमारे फिर गलने की समस्या हो जाती है, सड़ने शुरू हो जाते हैं, या नीचे से जो होता है ना रूट्स में फंगस लगती है, प्लांट्स हमारे मर जाते हैं।
वाटरिंग का सबसे ज्यादा हमें इस मौसम में ध्यान देना है, दिन में एक बार, और नहीं तो चेक करने के बाद दिन में दो दिन में एक बार हमें वाटरिंग करनी है। जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं उनको तो दो दिन में एक ही बार में कर रही हूँ वाटरिंग, और अगर मिट्टी नहीं सूख रही है तो दो दिन में भी एक बार नहीं, जब मिट्टी सूखती है तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें वाटरिंग करनी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स जितने भी हमारे प्लांट्स हैं ना उसको अभी तो हम लोग फर्टिलाइजर दे के ही चुके हैं, सेप्टेम्बर मंथ में हमने अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज किया था, बस अब तो टाइम आ रहा है नए नए प्लांट्स लगाने का। नए नए प्लांट्स हैं मार्केट में, नर्सरीज में अवेलेबल भी हो चुके हैं, आप नर्सरी जा सकते हैं और अच्छे अच्छे जो है पिटूनिया वगैरह। सर्दियों का सबसे बेस्ट जो होता है ना विंटर सीजन का एक तरीके से किंग कह सकते हैं वो पिटूनिया होता है, और इतनी आसानी से लग जाता है ना, इतने अच्छे फ्लावर्स देता है, तो आप उनको लेके आ सकते हैं और पिटूनिया को लगाई, जैसे कि पोर्टुला का होता है ना खूब अच्छे अच्छे फ्लावर्स देता है उसी तरीके से पिटूनिया होता है, सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो आप पिटूनिया लाकर लगा सकते हैं आराम से। अब इस समय मौसम आ गया विंटर गार्डन की तैयारी करने का, तो आप भी विंटर गार्डन की तैयारी कर सकते हैं। मैं भी अभी प्लांट्स लेकर आऊंगी, अभी मैं लाई नहीं हूँ एक भी प्लांट अपना विंटर सीजन का, मैं भी विंटर सीजन के प्लांट्स लेकर आऊंगी। और गर्मियों के तो फ्लावर्स आप देख ही रहे हैं जो अभी सीजन में, ये जो पारिजात का जो प्लांट होता है ना ये इसी मौसम में फ्लावर्स देता है, पूरे सीजन में ये फ्लावरिंग नहीं देगा, इसकी जो पत्तियाँ होती है ना वो अभी आगे आने वाले सीजन में जब ये फ्लावर्स आने इसके बंद हो जाएंगे नवंबर के बाद, तो क्या होता है फिर इसकी पत्तियाँ जो होती है ना झड़नी शुरू होती हैं धीरे धीरे, और फिर पूरे साल ये प्लांट जो है ना ऐसे ही रखा रहेगा, इसको कोई फर्टिलाइजर के बाद इसको नहीं देना है, और जो है बस इसकी केयर करनी है, सही में ही रखा रहेगा ये, और अपने इसी मौसम में आके जो है ना ये फ्लावरिंग करनी स्टार्ट करता है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स, बस यही मेरे को आपके साथ शेयर करना था, आपको अगर ये फ्लावर्स पसंद आ रहे हो वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।